यूजुअली लोग कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, पर हो सकता है कि भगवान ने लिखा हो कि अगर मेहनत करेगा तो ही इसको मिलेगा। हाय, मेरा नाम है स्वाति सुनील डांगी और ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है समझना उन लोगों को जो सोचते हैं सब कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो अपनी किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किस्मत के भरोसे मत बैठिए, एक्चुअली मत बैठिए। किस्मत आपको नहीं मालूम ना कि आपकी किस्मत क्या है। और दूसरी चीज़ की हो सकता है भगवान ने भी ये लिखा हो कि भाई इसकी किस्मत का जो एक वो पेज है उस पर ये लिखा हो कि इसको मेहनत करने से ही मिलेगा। अब आपने तो मेहनत करी नहीं और आपने सोचा है कि मुझे किस्मत में मेरे उस जो पेपर पे लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा। अब आपको मिल नहीं रहा है तो क्या होगा, कैसे मिलेगा, जब भगवान ने लिख दिया है कि भाई मेहनत करने से मिलेगा। और आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ट्रस्ट मी, कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आप क्लासेस में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। आपकी जो लर्निंग है ना वो कहीं ना कहीं लाइफ में पता नहीं कहाँ से क्या आपको उसका यूज़ हो जाए। एक दिन एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते रहते हैं। तो उन्होंने एक मुझे एग्जाम्पल दिया था, बताया था कि मयूर सिंहासन जो है वो किसने बनवाया था। तो उन्होंने मुझे बताया शाहजहां ने बनवाया था, और मुझे हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे जल्दी से वो याद नहीं होती हैं चीज़ें। बट जो उन्होंने बताई, एक जनरली हम बात कर रहे तो जब उन्होंने मुझे बताया कि मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था तो मैंने कहा ठीक है, ओके, वो चीज़ समवेयर माइंड में बैठ गई। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं कोई पेपर दे रही थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और उसमें वो क्वेश्चन आया हुआ था, और मैं ऐसे थी कि यार अगर सच में मैंने उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी होती उस टाइम तो आज मेरा एक नंबर पक्का जाना था यहाँ पे। उस टाइम आपकी, और एक चीज़ नहीं, मेरे साथ कितनी बार ऐसे एग्जाम ऐसे ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं कि कहीं की कोई बात टीचर ने क्लास में कुछ बताया था और वो वहाँ पे यूज़ हो गया। कभी इंग्लिश की ग्रामर की बात हुई, कभी हिस्ट्री की बात है, पॉल साइंस की कोई बात कभी बताई होगी, स्टेट्स का कैसे लर्न करना है उनका, सब कुछ ये मतलब एवरीथिंग इज़ लिंक्ड, हर चीज़ जुड़ी हुई है आपस में। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपनी जो लर्निंग है उसका लेवल हमेशा ना अपने माइंड को ओपन करके रखिए। जहाँ से आपको जो चीज़ मिले ना बस उसको ग्रैब इट, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ऐसे ही चीज़ें याद होती हैं, और ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रगल, आप इन्हें स्ट्रगल मत कहिए कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप इन्जॉय करिए उन चीज़ों को समझिए और पढ़िए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, पढ़ाई वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके देन, हाय एवरीवन। चलिए सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन नंबर 15 का पार्ट है ए। ये वाइट बोर्ड पे लिखने की मेरी कोशिश है, उसके बाद देखते हैं कब तक मैं इसमें सक्सेसफुली आपको करा पाऊँगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि आपको पता है आपके 30 चैप्टर्स हैं और 30 में से जो ये है आपका 15 आपको कंप्लीट होते ही, इसका मतलब आधी स्टेनोग्राफी तो आपको आ गई, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पूरा शेड्यूल इसका, मतलब प्रॉपर तरीके से जो लेसन्स हैं, 30 लेसन्स हैं, और उसके बाद आते हैं आपके 8 रिव्यू। रिव्यू क्या होता है, मतलब रिव्यू में है फ्रेजेस वगैरह, ठीक है, फ्रेजेस वगैरह उसमें आ जाते हैं, वो भी 8 लेसन टाइप मान लीजिए। लेकिन वो तब आएगा ना जब आप ये 30 कंप्लीट कर चुके होंगे। जब तक ये 30 नहीं आएगा तो आप बाकी 8 कैसे आगे आएंगे, वो एडवांस लेवल है, ठीक है। बेसिक आपका पूरा 30 का है जिसमें आज हमारा 15th स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा 15th का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे द वर्ड्स बिगिनिंग विद पर या फिर पर, ठीक है। जो ऐसे वर्ड्स हैं जो पर की साउंड देते हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसे मैं बोलूं पर्सन, पर सन, ठीक है, पर्सन, ये पी ई आर है, थोड़ा फ्लैश
पढ़ रही है इस वजह से दिख नहीं रहा, पर्सन, ठीक, पर्सन कैसे आएगा अब आपका, देखिए पर, जो ये पर्सन जो पर है वो प और र के एक स्मूथ स्ट्रोक, पर पर प और र, इससे जो है आप दिखाएंगे। तो पर स न पर्सन पर्सन पर्सन, ठीक है, पर्सन पर्सन सॉरी पर्सन, ठीक। दूसरा देखते हैं परमिट, परमिट परमिट कैसे हो जाएगा, पर मी ईट, ठीक है, परमिट कैसे हो जाएगा, पर मी ईट, इट पर मीट, परमिट, ठीक। नेक्स्ट आपका है परहैप्स, परहैप्स परहैप्स का मतलब क्या होता है, मे बी, मे बी मतलब शायद, ठीक है, परहैप्स का मतलब होता है मे बी या शायद। परहैप्स कैसे होगा, देखिए पर हुआ ए प स और एच, ठीक, पर एप्स हैप्स, पर एप्स हैप्स, क्लियर। परसिस्ट, परसिस्ट परसिस्ट क्या होता है बताती हूँ, परसिस्ट कैसे लिखेंगे, देखिए पर सिस, सिस वाला था और ट, पर सिस्ट परसिस्ट परसिस्ट, ठीक है, परसिस्ट था, परसिस्ट का मतलब है कि जैसे कोई काम करते ही रहना, ठीक है, रेगुलर मतलब कंटिन्यूसली उसको करते रहना, चाहे कोई उसको अच्छा कहे चाहे बुरा कहे पर वो काम करते रहना, परसिस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है परसुएड, पर सुएड परसुएड करना मतलब किसी वजह से ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए फोर्स करना बेसिकली, ठीक है, परसुएड करना, परसुएड कैसे लिखेंगे, देखिए पर, ठीक है, स सु एड, उ जो है इसमें इनविजिबल है यानी वो ओमिटेड है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, परसुएड परसुएड परसुएड, ठीक है। नेक्स्ट पर्स, पर्स मतलब किसी का पर्स, जैसे पर्स परस पर्स पर्स पर्स। परचेज, परचेज परचेज मतलब खरीदना, ठीक है, पर च एज परचेज, ठीक है, कैसे बनाया, पर च एज ज ये वाला, ठीक है, परचेज, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। नेक्स्ट पर्पल, पर्पल कलर होता है पर्पल, ठीक है ना, पर प ल, ठीक, पर्पल पर्पल पर्पल, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जो वर्ड्स आपके शुरू हो रहे हैं डी ई से या फिर डी आई से, यानी डी या डाई जो आएगा, ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट होंगे, डी के स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होंगे, कैसे देखते हैं। डिसाइड, डिसाइड डिसाइड करना मतलब कोई चीज़ डिसाइड करना, कोई काम डिसाइड करना, है ना, डिसाइड, देखिए डी साई ड, ठीक, डी साइड, डी साइड, क्लियर। नेक्स्ट आइए डिज़ायर, डिज़ायर डिज़ायर मतलब इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा होना, डिज़ायर, डी जा आए आए अर र इसी के साथ ही, ठीक, डिज़ायर इसके साथ जोड़ के, डिज़ायर डिज़ायर डिज़ायर, ठीक है। नेक्स्ट डिज़र्व, डिज़र्व डिज़र्व मतलब जैसे कोई चीज़ कोई डिज़र्व करता है, हम कहें जैसे भाई आप ही डिज़र्व करते हैं, मतलब आप हकदार हैं उस चीज़ के, ऐसे डिज़र्व करते हैं, ठीक है, तो डी ज अ छोटा अ र व, डी ज अ र व,
डी ज अ र व, ये मेरा डी ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन पा रहा, थोड़ा ये स्केच पेन और हैंड पोजिशन मेरा सही नहीं हो रहा है, बट आप समझ लीजिए कि डी जो है स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है। डिपॉजिट, डी पॉजिट, डिपॉजिट मतलब कोई चीज़ जमा करना, डिपॉजिट करना है ना, तो कैसे लिखेंगे, डी प प हुआ, ओ पो जी ट, डी पो जी ट, डी पो जी ट, डिपॉजिट, ठीक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका डिले, डिले डिले मतलब डी ई एल ए वाई, डिले मतलब देर होना, किसी चीज़ में देरी होना, डिले देखिए डी ले ए, डी ले डी ले, क्लियर। डायरेक्ट, अब डी आई वाले डायरेक्ट, ये भी डी से ही दिखेगा, तो कैसे हो जाएगा, डाई र एक ट, ठीक है, डा डाई रेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट डिप्लोमैट, डिप्लोमैट डिप्लोमैट क्या होता है भाई, क्या मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था, मेरे को याद ही नहीं यार। अच्छा चलिए डिप्लोमैट देखिए एक बार, डिप्लोमैट कैसे होगा, डी प एल डिप्ल ओ म, ओ ये रहा छोटा सा म एट एट, ठीक है, डिप लो ओ ओ मैट डिप्लोमैट, ये जो है ना ये कैसे हो जाएगा आपका, थोड़ा ऐसे, ठीक है, डिप्लोमैट, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, डिप्लोमा, आप लोग इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं आपको एक एक दो दो ही लिख के दिखा रही हूँ, तो आपको पूरे पूरे पेजेस भरने हैं, तीन तीन चार चार पेजेस, खूब प्रैक्टिस करनी है खूब अच्छे से, ठीक है। डी प्लोमा प्ल प ल ओ मा अ डिप्लोमा, ठीक, डी प्लो ओ मा डिप्लोमा, ठीक है। अब करते हैं पैसेज, मे बी मैं पैसेज कराते कराते रजिस्टर में मूव कर जाऊं, बट स्टिल आई ट्राई इस पे करें, तो देखिए जेंटलमैन पीछे आई थी ब्रीफ फॉर्म, योर यू योर, फिनेंशियल फी नैन शियल फिनेंशियल एंड शियल एंड पर्सनल, पर्सनल कैसे था पीछे सिखाया था ना अभी शायद मैंने, पर स न अच्छा पर्सन बताया था शायद, पर्सनल अल, ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड, देखिए रिकॉर्ड कैसे आएगा, री ई क रिक ओ र आर डी का स्ट्रोक ऑर्ड स, रिकॉर्ड्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, पीछे ब्रीफ फॉर्म आई थी इम्पोर्टेंस टू द ऑपरेशन, ऑपरेशन ओ प रे एशन ऑपरेशन ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ब्रीफ फॉर्म आई थी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पी एल ए एंटी का स्ट्रोक प्लांट फुल स्टॉप, इफ यू केम के एम टू, ओके वी आर बैक विद रजिस्टर, केम टू वर्क, केम टू हो चुका था आपका पीछे, केम टू वर्क अर्क, देखिए अ क अर्क, ठीक है, ये इसका ब्रीफ फॉर्म मेरे ख्याल से पीछे आपने पढ़ा है वर्क का, केम टू वर्क वन मॉर्निंग, वन अन वन मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग का भी आ चुका था,
एंड लर्नड, देखिए ल और लर लर्न ट एंटी का स्ट्रोक लर्न ट लर्नड दैट दोज इसी के साथ ही जोड़ दिया दोज इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स रे क और स आर डी रिकॉर्ड्स हैड बीन बर्नड बर र एंटी का स्ट्रोक बर्नड इन अ फायर फा आई अर फायर यू वुड हैव कॉज कॉज टू वरी कॉज टू वरी व री ई कॉज टू वरी बिकॉज बी को ओ ज बिकॉज यू माइट मा आइट इसी के साथ ही माइट नॉट बीन एबल ठीक है यू माइट नॉट बीन एबल टू ओपन ओपन योर डोर्स डो ओ र स योर डोर्स अगेन अगेन ठीक है डोर्स अगेन नेक्स्ट मेरा वन वे व ए वन वे टू बी श्योर श्योर कैसे हो जाएगा बी है इसी के साथ लिख सकते हैं श उ आर टू बी श्योर दैट दोज इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड स आर डी का स्ट्रोक रिकॉर्ड्स आर वेल विल वेल था वेल गार्डेड ग आर्ड आर डी का स्ट्रोक डिड आया था ना पीछे डेड टेड है ना गार्डेड इज टू प्लेस पी एल ए स प्लेस देम इन अ स्मिथ स मी स्मी इथ स्मिथ नाम है स्मिथ सेफ कौन सा जो शायद आपने पहली क्लास में सीखा था जो तिजोरी वाला सेफ समझाया था है ना स्मिथ सेफ आर वेयर दे ये छोटा सा लूप है दे विल बी गार्डेड नहीं दे विल बी प्रोटेक्टेड देखिए प्रोटेक्टेड कैसे आएगा प्र ओ क प्रो सॉरी प्रो टेक ट आएगा यहाँ पे गलत हो गया देखिए प्र प्रो ओट प्रोटेक एक अब आएगा ठीक है प्रोटेक्टेड टिड बड़ा प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मोस्ट म ओ स ट मोस्ट सीवियर सी ई वी ई आर सीवियर फायर नेक्स्ट पैरा डू नॉट डिले डी ले ए डिसाइड टू टेक एक्शन टुडे टू गार्ड आर डी गार्ड दोज इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स records permanently per m
एन, एम एन आ चुका था आपका, परमानेंट, इट परमानेंटली, एली का स्ट्रोक परमानेंट, ये कैसे बनाया देखिए, परमानेंट मेन तो हुआ, परमानेंट ट टी है अलग से और एल वाई का स्ट्रोक, ठीक है। यह काम करिए, आपका एन टी हो चुका है ना, आप इसे ऐसे मत लिखिए, आप लिखिए इसको सीधा पर मैन एन टी, एन टी का स्ट्रोक और ये एल वाई, ठीक है, परमानेंट एन टी, परमानेंट एंटली, परमानेंटली, ठीक, फुल स्टॉप। इफ यू विल मेल, मेल द, मेल द एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड कार्ड, कार्ड एनक्लोज्ड कार्ड, वी शैल, शैल बी डिलाइटेड, डिलाइटेड, डिलाइटेड टू सेंड यू द, सेंड यू द फुल, सेंड यू द फुल, फ ऊ एल फुल स्टोरी, स्टोरी ऑफ आवर सेफ्स, स्टॉप योर्स वेरी ट्रूली, ठीक है जी। क्या करेंगे, की करेंगे इसके फटाफट से, की लिखते हैं, जेंटलमैन योर फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ, ऑपरेशन हो गया ऑफ योर, ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फुल स्टॉप। इफ यू केम टू वर्क वन मॉर्निंग एंड learnt that those important records have been burnt in a fire, you would have cause to worry, W O R R Y, worry, because you might not be able, he might not be able, I might not be able, so you might not be able to open your doors again, full stop। आई विश आप लोगों को ये दिख रहा होगा क्योंकि ब्लैक से वैसे ज़्यादा क्लियर दिखता है, बट ये पेन मुझे लेना पड़ा क्योंकि वो स्केच पेन भी बहुत लाइट हो गया और बोर्ड जो था वो मेरी डॉटर का था वो उसने ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग तो बड़े हैं, यू विल मैनेज। वन वे टू बी श्योर that those important records, पता है records होता ना इसकी ना एक pronunciation जो भी चल रही है आज के टाइम पे, records, records बोलते हैं हम, records बोलते थे ना पहले से, records, बहुत सारे ऐसे pronunciation change हो चुके हैं,
आर वेल, ई है बीच में, वेल गार्डेड, जी यू ए आर डी ई डी, इज टू प्लेस देम इन अ स्मिथ, नाम है सेफ, वेयर दे विल बी प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मोस्ट सीवियर फायर, फुल स्टॉप. डू नॉट डिले डिले डिसाइड टू टेक action today to guard, guard, guard those important records permanently, 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 ठीक है, permanently full stop है. If you will mail, if you will mail the enclosed card, we shall be delighted. Delighted मतलब क्या हुआ, खुश, हम, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम खुश होंगे अगर आप ये काम करेंगे. टू सेंड यू, क्या चीज़ करने के लिए, आपको हम सब बताएंगे. देयर टू सेंड यू दी, टू सेंड यू द फुल स्टोरी ऑफ आवर सेफ्स, योर्स वेरी ट्रूली, फुल स्टॉप. ठीक है, ओके, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट में पैसेज करेंगे और भी काम करेंगे. अभी के लिए टाटा बाय बाय. और आज बहुत लेट वीडियो आई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी. बहुत बिजी था, कुछ मैनेज नहीं हो पाया, बट स्टिल आई डिड. ओके देन, थैंक यू.